वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको टोयोटा क्रोला 1989 मॉडल का डिटेल्ड रिव्यू दिया जाएगा। आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर मैं दिखाऊंगा और इंटीरियर दिखाऊंगा। उसके अलावा गाड़ी की तमाम स्पेक्स और फीचर्स के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको तमाम डिटेल्स इस गाड़ी के बारे में समझ आ सकें। 1989 का मॉडल है और पहले आपको गाड़ी का 360 वॉक अराउंड देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर तो आपने इस गाड़ी का देख लिया। आपको इसके इंजन के बारे में बताना चाहूंगा। 1300 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है। अगर इंजन पावर की बात करें तो 53 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करता है और 71 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 103 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा अगर मैं इस गाड़ी की डायमेंशंस की बात करूं तो इस गाड़ी की लेंथ 4206 mm है और इस गाड़ी की विड्थ जो है 1655 mm है। और अगर इस गाड़ी की व्हील बेस की बात करूं तो 2430 mm इस गाड़ी की व्हील बेस है। कब वेट इस गाड़ी का 975 kg है और ग्रॉस वेट इस गाड़ी का 1445 kg है। फ्रंट पर हेलोजन लैंप्स आपको मिलेंगे। हाई बीम और लो बीम हेलोजन में आती है। उसके अलावा इसके बम्पर के ऊपर आपको टर्न सिग्नल का ऑप्शन मिलेगा और बॉडी कलर में इसका फ्रंट बम्पर डिज़ाइन किया जाता है। उसके अलावा इसकी ग्रिल क्रोम में आती थी और इसके फ्रंट पर आपको क्रोला का लोगो मिलता है। उसके अलावा अगर फेंडर की बात करें तो फेंडर के ऊपर आपको कोई टर्न सिग्नल वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बॉडी कलर्ड साइड व्यू मिरर्स इसके आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं और बॉडी कलर्ड इसके डोर हैंडल्स आते हैं और ड्राइवर डोर हैंडल के ऊपर आपको की होल का ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा रियर विंडस्क्रीन डीफोगर के साथ है। बैक पर आपको तमाम लाइट्स हैलोजन में मिलेंगी। ब्रेक लैंप, टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप आपको हैलोजन लैंप में मिलेगा। रियर बम्पर इसका जो है ये आपको बॉडी कलर में मिल जाएगा। 185/55 इसका टायर साइज है और इस गाड़ी में 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं। बैक साइड पर भी मैं आपको इसमें टायर्स दिखा देता हूँ। और इस गाड़ी में बैक पर ड्रम ब्रेक की ऑप्शन है जबकि फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिलेगी। तो मेहरून कलर में इसका इंटीरियर है और इसके डोर के ऊपर आपको लेदर और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ पर विंडोज़ को अप एंड डाउन करने के बटन्स हैं और ड्राइवर विंडो ऑटोमेटिक है। साथ आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगा और विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन मिल जाएगा। 3-स्पोक स्टायरिंग व्हील है जो कि नॉन एडजस्टेबल होता है और इसमें आपको पावर स्टायरिंग व्हील का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक एयर वेंट मिलेगा स्टेयरिंग व्हील की राइट साइड पर। चलिए आपको मजीद इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो एयर वेंट्स हैं ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। यहाँ पर हैजर्ड लाइट कंट्रोल बटन है और इस गाड़ी में आपको यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो डिजिटल क्लॉक का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा मैन्युअली कंट्रोल एसी और हीटर आ जाते हैं और नीचे आपको ऑडियो सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा। एशट्रे की ऑप्शन मिलेगी, साथ ही यहाँ पर आपको इसमें पावर आउटलेट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है। 5-स्पीड फॉरवर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन है और मैनुअली कंट्रोल पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ दी जाती है। ये इसके साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और उसके अलावा यहाँ पर एक आर्मरेस्ट है और उसके नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट और यहाँ पर इसके डैशबोर्ड के ऊपर आपको एक स्पीकर इस तरफ मिलता है और एक स्पीकर आपको उस तरफ मिलता है जबकि इसके डोर्स के ऊपर आपको स्पीकर का ऑप्शन नहीं दिया जाता। अगर इसके पैसेंजर डोर की बात की जाए तो सेम डिजाइनिंग की गई है पैसेंजर डोर की भी। इस गाड़ी का इंटीरियर मेहरून कलर में है तो यहाँ पर फैब्रिक और लेदर का कॉम्बिनेशन है। आपको पैसेंजर सनशेड के ऊपर मिरर दिया जाता था जबकि ड्राइवर सनशेड के ऊपर आपको मिरर का ऑप्शन नहीं मिलता था। बैक पर एक कैबिन लैंप मिल जाएगा। फ्रंट पर आपको दोनों सीट्स के ऊपर हेडरेस्ट मिलता है और फैब्रिक सीट्स आती हैं मैरून कलर की। उसके अलावा फ्रंट सीट्स जो हैं इसकी ये मैन्युअली एडजस्टेबल हैं। बैक पर भी आपको फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं और बैक पर आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन इस तरीके से मिलता है और यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगी जैसे इसकी रियर पैसेंजर डोर की डिजाइनिंग की गई है। चलिए आपको इसका ट्रंक ओपन करके बूट स्टोरेज भी इसकी मैं दिखा देता हूँ। '1989 का मॉडल है टोयोटा क्रोला। तो चलिए आपको इसका इंजन ओपन करके दिखा देते हैं। ओके जी, 1.3 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 4 वाल्व पर सिलेंडर हैं और 16 वाल्व का इंजन इसमें इंस्टॉल्ड है।
बाकी इसके इंजन के पार्ट्स वगैरह मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। सो गाइज, ये था टोयोटा क्रोला 1989 मॉडल का डिटेल्ड रिव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 7,50,000 रुपया इस गाड़ी की आस्किंग है, और अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, आप कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।